हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं आज आप लोगों को हेल्दी कैसे रहें इसके बारे में कुछ टिप्स बताने जा रहा हूँ। देखिए, लोग इस चीज़ के लिए हमेशा रेडी हैं कि हम जब बीमार पड़ेंगे तो उसके लिए ये इंश्योरेंस कराएंगे, वो इंश्योरेंस कराएंगे, और उसको जब हम बीमार पड़ेंगे तो आईसीयू में 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख देंगे। इसके लिए आप बिल्कुल रेडी रहते हैं। लेकिन आप, मेरा कहने का मतलब है, आप इसके लिए क्यों नहीं रेडी रहते हैं कि हम बीमार ही ना पड़े? अगर हम बीमार ही ना पड़े तो हमको इस चीज़ के लिए क्यों ज़रूरत रहना पड़ेगा, इतना लाख जमा करके रखो, इतना लाख। तो मेरा बस कंसर्न यही है कि आप स्वस्थ कैसे रहें। देखिए, सबसे पहला बात है, दो ही चीज़ इम्पोर्टेंट है, एक खाना और दूसरा पीना, और तीसरा हवा, सांस लेना। इन तीन चीज़ से ही हमारा शरीर या तो अच्छा रहता है या तो खराब रहता है। खाने की बात करें तो खाने में लोग लगभग मैं कहता हूँ कि 80-90% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन दे आर गोइंग टू द आउटसाइड टू टेक द जंक फूड। तो हम जंक फूड से बचें। बाहर जो भी खाना हम खाते हैं, पॉल्यूटेड है या फिर उसका पानी कैसा यूज़ कर रहा है, उसने अपना हाथ धोया है या नहीं धोया है, तो वो ये चीज़ देख करके आप सिलेक्शन करें। अगर बाहर खाने का भी शौक़ है तो अच्छे रेस्टोरेंट में जाएं, वहाँ पे आप खाएं। मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करें कि घर का खाना खाएं, बाहर का खाना ना खाएं। अगर खाने का मन है तो अच्छे रेस्टोरेंट जहाँ साफ सफाई की, जो भी काम करने वाले हैं वो अपने हाथों की सफाई, अपने ड्रेस की सफाई, बिल्कुल बिल्कुल सफाई पे 100% वो सजग हो, कॉन्सेंट्रेट हो। दूसरी बात कि हम जहाँ भी एयर की बात करते हैं, हवा जो हम लेते हैं कितना पोल्यूटेड है। खास करके मैं दिल्ली का बात करूँ तो अब पोल्यूशन बिल्कुल चरम सीमा पे है, और आने वाले 10 सालों में तो बहुत ही बुरा होने वाला है। तो आप चाहें तो घर में एयर प्यूरीफायर लगा सकते हैं, उसके थ्रू भी आप अपना फ्रेश एयर ले सकते हैं। बाहर जाते हैं तो मास्क का हमेशा प्रयोग करें, मास्क लगा करके जाएं, सैनिटाइजर वगैरह का यूज़ करना है। घर में बाहर से आते हैं तो आप घर में नहाइए, उसके बाद ही अपने घर में फैमिली से, बच्चों से मिलिए। तीसरा इम्पोर्टेंट बात आती है पानी। पानी तो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में 70% पानी है। सब चीज़ डिपेंड पानी पे। अपना आँख में तो 95% पानी है, अब समझ लो 95 में अगर बताओ पानी सही नहीं गया 95%, तो आँख का क्या हाल होगा, बुरा हो जाए। सेम हार्ट में, किडनी में, इन चीज़ों में भी, लंग्स में लगभग 73% पानी है। तो पानी, देखो, पानी ऐसा पीना चाहिए जिसका जो गुण है, जो क्वालिटी है, वो एंटीऑक्सीडेंट होना चाहिए, माइक्रोक्लस्टरिंग होना चाहिए, अल्केलाइन प्रॉपर्टी होना चाहिए, और एक्टिव हाइड्रोजन रिच वाटर होना चाहिए। अब ये पानी जो मैं ये गुण बताया, सारे पानी में अवेलेबल है नहीं, लेकिन प्रकृति ने दुनिया के 5-6 जगहों पर ऐसा पानी दिया है जो नेचुरल वे में मौजूद है, जैसे कि गंगोत्री में है, हुंजा वैली पाकिस्तान में है, जमजम मक्का में है, फिर कुछ जगह जैसे फ्रांस में, जर्मनी में और यूएसए में, इन जगहों में भी कुछ जगहों पे है। तो अब सारे लोग यहाँ जाकर ये पानी को पी नहीं सकते, तो इसके लिए एक सब्स्टिट्यूट जो मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली, इनेजिक कैंगन वाटर, ये जापान का प्रोडक्ट है। जापान ऐसे भी ट्रस्टेड है, 47 ईयर ओल्ड प्रोडक्ट है, दुनिया के 175 देशों में लोग इसको यूज़ करते हैं और इसका लाभ उठा रहे हैं। अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रॉबर्ट जी राइट ने भी इसको रिकमेंड किया है अपने बुक किलिंग कैंसर नोट पीपुल में, 12 चैप्टर में इस पानी के बारे में बताया है। और भी डॉक्टर हैं जिन्होंने इस पानी को रिकमेंड किया है, जैसे कि आप ये देखें, 6,500 डॉक्टरों ने मिल करके इस मशीन को इंडोस्ट किया है, तो नो डाउट इसमें डाउट कुछ है ही नहीं, ठीक है। और दूसरी बात है कि इस पानी को जब पिएंगे तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मैं प्रैक्टिकली देखा हूँ, अपने पेशेंट पे भी चेक किया हूँ, उनका शुगर लेवल अच्छा हो गया, उनका बीपी अच्छा हो गया, बीपी की दवाई बंद हो गई, बहुत से लोगों का सैचुरेशन इशू आ रहा था 80, 2-3 गिलास पीते ही उसका 90+ सैचुरेशन गया। तो ये सारे चीज़ प्रैक्टिकली प्रूव्ड हैं और पूरी दुनिया में प्रूव्ड हैं, 47 सालों से प्रूव्ड है, दुनिया के 175 कंट्री में प्रूव्ड है।
तो कहीं कोई डाउट ही नहीं। और ये मशीन बिल्कुल मेडिकल ग्रेडेड है, यानी कि जो हमको ICO ISO मार्क CT स्कैन को MRI को मिला है, सेम चीज़ें इस मशीन को भी मिला है, तो नो डाउट। साथ में मैं यही लास्ट में कहना चाहूँगा कि हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंड कैंगन पीजिए, और अवॉइड द आउटसाइड फूड एंड टेक द फ्रेश एयर। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।